नमस्कार दोस्तों, इंडिया फुलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। आज हम आपको बताएंगे कि आजमगढ़ में सपा की तरफ से रमाकांत यादव यानी पूर्व सांसद को फूलपुर पवई विधानसभा से प्रत्याशी तो बना दिया गया है, लेकिन वहां पे जमकर विद्रोह देखने को मिल रहा है। वजह कि वहां के सपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा इतनी संख्या में कि वहां के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर 4,000 सपा कार्यकर्ताओं ने वहां इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में रमाकांत को लखनऊ में डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने में समय व्यतीत करना पड़ रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो सूत्रों की माने तो रमाकांत का कहना है कि वह टिकट वापस कर देंगे और जब पार्टी का आगे निर्देश होगा तब वह मैदान में आएंगे। आपको बताते चलें कि रमाकांत यादव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी में रहे और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐन वक्त पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और भदोही से लोकसभा चुनाव लड़ा था और 2019 के लोकसभा के बाद वह अभी कुछ ही साल पहले यानी एक साल पहले सपा का दामन थामा था और पार्टी की तरफ से उन्हें फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरा, जहां पे वर्तमान विधायक उनके बेटे अरुण कांत यादव विधायक हैं। आपको बताते चलें कि रमाकांत यादव ने 2014 में मुलायम के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था और 2009 में वह बीजेपी से सांसद हुए थे, लेकिन मुलायम के खिलाफ 2014 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी की तरफ से 2019 में दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया गया था, इसी से नाखुश होकर वह कांग्रेस का दामन थाम लिए थे और 2022 से पहले उन्होंने सपा का दामन थामा और पार्टी की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, जिसका विरोध आजमगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा और कार्यकर्ताओं ने किया हुआ है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष यानी फूलपुर पवई विधानसभा अध्यक्ष समेत 4,000 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस बड़े डैमेज कंट्रोल को ठीक करने में जुटी हुई है, जिससे वहां का परिणाम सकारात्मक आ सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी इस पर कैसे अमल करती है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।